वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद वानी और इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा साहब मटन में, जहाँ बहुत बड़ी तकरीब का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा आज गुरु नानक देव जी का 550वीं सालगिरह थी उनकी, और इस शुभ अवसर पे छठी पातशाही बारामूला से एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि श्रीनगर से होते हुए अनंतनाग के मटन साहब में इख्तिताम पज़ीर हुई। यहाँ पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा है, बहुत सारे लोग त्राल बारामूला और खासकर अनंतनाग के यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे मटन साहब में बहुत बड़ी तकरीब का आयोजन किया गया। पहली बार ये बताते चलो आपको कि ऐसी भव्य जो है तकरीब का आयोजन किया गया यहाँ पे सिख कम्युनिटी की जानिब से। यहाँ पे हजारों की तादाद में सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस वक्त मौजूद हैं, मुसलमान और हिंदू भी इस तकरीब में शामिल हुए और भाईचारे की एक मिसाल कायम की। सतनाम वाहेगुरु साहिब की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की कृपा सत्कार, श्लोक मल्ला नामा जो सही कर दे पाई जा लगे हैं, तो समुची संगत को बेनती है कि मन चित एकाग्र करके। खुश है जी, हम देख रहे हैं कि पंजाब से, बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट त्राल से जी, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से पूरी संगत जुड़ी हुई है, और एक विशाल जो नगर कीर्तन है जो आज यहाँ मटन साहब में पहुँचा है, जो गुरु नानक देव जी की चरण से चलती है। और हम यहाँ पे मुसलमान भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर जगह पे, यानी कि ये बारामूला से चलकर छठी पातशाही श्रीनगर में, श्रीनगर से होकर यह जो नगर कीर्तन है यहाँ मदन साहब पहुँचा है, और हर जगह पे हमें मुसलमान भाइयों ने भी बहुत बड़ा साथ दिया है, इसको कामयाब बनाने में हमारी बहुत मदद की है।